क्या कमेंट आया है आज? दी, आपकी फेवरेट कलर क्या है? ब्लैक, आई लव वेयरिंग ब्लैक. वैसे मेरी फेवरेट कलर तो ग्रीन है, बट आई लव वेयरिंग ब्लैक. दी, आपकी फेवरेट एनिमल क्या है? पता है क्या? चिकन. मेरी भी फेवरेट, लकी का भी फेवरेट. चिकन दम 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 खाएंगे हम, बड़ा सा टंगड़ी दम दम दम. हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल इनफाइनाइट फैम. आज के 24 आवर चैलेंज में मैं खाने वाली हूँ 24 घंटे के लिए सिर्फ और सिर्फ मेरी फेवरेट, आप सबकी फेवरेट चिकन. मतलब आई ईट चिकन फॉर 24 आवर्स. आ चुकी हूँ किचन में सुबह सुबह. आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि यू नो चिकन मुझे बहुत ज्यादा पसंद है. हफ्ते में ऑलमोस्ट एवरी डे मैं खाती हूँ. नो डाउट, चिकन के बिना मेरा खाना ही अधूरा होता है. तो आज ब्रेकफास्ट में मैं बनाने वाली हूँ अपने लिए चिकन चाउमीन, क्योंकि काफी लंबा टाइम हो चुका है कि मैंने चाउमीन खाया नहीं है. तो गाइस, चिकन चाउमीन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने प्याज और मिर्ची तो ऑयल में ऐड कर दिया है. अभी इसके अंदर मैं डाल दूंगी मन पसंद की वेजिटेबल्स और फिर मैं इसको अच्छे से तल लूंगी. जब ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा, इसके अंदर मैं डाल दूंगी चिली चिकन की पीसेस. मैंने एक्चुअली ड्राई चिली चिकन बनाया था लास्ट नाइट, तो उसी की जो लेफ्ट ओवर है उसी के पीसेस को मैं ऐड करूंगी. इससे जो है ना चिकन में एक अच्छा फ्लेवर भी आता है चिली चिकन जैसा. और मैंने अच्छे से चिकन को और वेजिटेबल्स को फ्राई कर लिया है, तो इसके अंदर मैं डाल दूंगी बॉयल्ड नूडल्स. तो डाल दूंगी सॉस. सॉस के लिए मैं ऐड करूंगी डार्क सोया सॉस 1 चम्मच और हल्का सा चिली विनेगर, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा बैलेंस होता है स्वीट सार का. और हाँ, हम लोगों का चिकन चाउमीन बिल्कुल तैयार है. इसके अंदर मैं हल्का सा ब्लैक पेपर पाउडर डालूंगी और फिर परोस दूंगी खाने के लिए. तो आइए इस चाउमीन को खाते हैं और पेट पूजा करते, क्योंकि ये दिखने में तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी और दिलचस्प लग रहा है. हेलो सोना, तो मैं आ चुकी हूँ सुबह का ब्रेकफास्ट लेके. और आप तो जानते हो कि मैंने ब्रेकफास्ट में अपने लिए क्या बनाया है. अगर आप मेरे रेसिपी से ऐसे चिकन चाउमीन बनाते हो ना, लेट मी नो आपको कैसा लगा. और मेरे जैसे ना आप चिली चिकन की जो चिकन होती है उसको यूज करने की कोशिश करना, फिर आपको एक अलग सा टेस्ट मिलेगा. तो गाइस, अभी हम लोग लंच बनाएंगे और लंच में मैं क्या बनाने वाली हूँ आप तो जानते हो. मैं बनाने वाली हूँ मेरी फेवरेट चिकन कशा. मैंने जो बंगाली वाले चिकन चैलेंज किया था वहां पर मैंने बनाया था चिकन बटर मसाला. अगर आपको वो कभी ट्राई करनी है तो वो चैलेंज देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. पर पुलाव, मतलब बंगाली जो पुलाव होता है ना, उसके साथ गरम गरम डिलीशियस आलू के साथ चिकन कशा का जो टेस्ट है, सोचते ही मेरी जबान पूरा लपलपाई होता है. तो गाइस, चिकन कसा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है. जब ऑयल गरम हो जाएगा मैं इसके अंदर डाल दूंगी आपका होल गरम मसाला और बे लीफ, और फिर इसके अंदर डाल दूंगी मैं बारीक कटा हुआ प्याज, और प्याज को मैं अच्छे से फ्राई कर लूंगी. जब सब अनियन हैज टर्न्ड ब्राउन मैं इसके अंदर डाल दूंगी सारे चिकन की पीसेस. ये जो है ना, जो कंट्री चिकन होता है, देसी वाला चिकन है, उसी का मैं कसा बना रही हूँ, क्योंकि मुझे कंट्री वाला चिकन पर्सनली पसंद है. एंड इट जस्ट
गिव्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ फ्लेवर अगर आप बॉयलर की जो चिकन होता है उसके साथ कंपेयर करो तो। यहाँ पर चिकन को एक दो मिनट पकाने के बाद मैं इसके अंदर डाल दूंगी 2 चम्मच प्याज के पेस्ट, 1.5 चम्मच गार्लिक का पेस्ट और 1/2 चम्मच जिंजर पेस्ट। गार्लिक आपको ज़्यादा देनी है, जिंजर आपको एकदम कम रखनी है और प्याज मीडियम। ज़्यादा प्याज देने से ना इसके अंदर जो फ्लेवर है बहुत ही घास घास टाइप का हो जाता है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर मैं इसके अंदर डाल दूंगी फेटा हुआ जो खट्टा दही होता है वो, और इसको अच्छे से मिला लूंगी। मैंने यहाँ पर जीरा पाउडर और हल्दी पाउडर भी ऐड कर लिया है। अभी अच्छे से मैं पूरा मसाले के साथ चिकन को मिक्स करूंगी और उसके बाद मैं इसको छोड़ दूंगी धीमे आंच में पकाने के लिए। फिर डाल दूंगी एक छोटा सा पीस बटर, इससे जो है चिकन में और भी एक अच्छा फ्लेवर आता है। और अभी मैं एक ढक्कन के साथ इसको मैं कवर कर दूंगी ताकि अच्छे से चिकन उसी पानी में बॉयल हो जाए। और आप देख सकते हो ढक्कन हटाने के बाद चिकन कितना ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है, इसको देख के ही मुझे भूख लग रहा है। अभी मैं इसको थोड़ा और देर बॉयल करूँगी, फिर उसको निकाल लूँगी और परोसूँगी। तो दोपहर के लंच में मैं लेके आई हूँ बंगाली फ्राइड राइस, साथ में है सलाद और मेरी फेवरेट चिकन कशा। क्या आपने टंगड़ी को देखा है, इतना फेवरेट ये डिश है, पूरा कॉम्बो है कि आई जस्ट लव इट। और इसी को खाएंगे और दोपहर का लंच को कंप्लीट करेंगे। तो मैंने अपना कपड़ा को चेंज कर लिया है क्योंकि मुझे काफी ज्यादा ठंड लग रहा था और वही पहन के लंच ब्रेकफास्ट बना बना के ना मैं थक चुकी थी। पर मैंने मेकअप अभी तक रिमूव नहीं किया है क्योंकि मैं खाना खाने के बाद ना थोड़ा सा रील शूट करूंगी, उसके बाद जाके मैं मेकअप रिमूव करूंगी। साइज ऑफ द टंगड़ी। गाइस मैं यहाँ पर अभी बैठ के चुपचाप लंच कर लूँगी, यहाँ पर मैं टीवी देखते देखते लंच करूँगी। और आप तो जानते हो ऐसे खाना बस चुपचाप इंजॉय करके खाया जाता है, बक बक नहीं किया जाता है। तो लंच खाने के बाद मैं फिर नहाऊँगी, फ्रेश हो जाऊँगी, फिर वापस से आपके साथ मिलूँगी। मुझे लगता है ये जो चिकन का टंगड़ी का हड्डी है ना, देखो ये हड्डी मेरे शक्ल से भी बड़ा है और ये चिकन का हड्डी है, ठीक है। मैं ये थोबड़े के माफिक हड्डी को चबा के ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ, आपसे मिलती हूँ कुछ ही देर के बाद। तो लंच करने के बाद अभी सबसे पहले मैं अपनी बालों की टेक केयर करूंगी क्योंकि अगर आप मेरे बालों को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कौवे के बाल भी मेरे बालों से ज्यादा खूबसूरत है। हालत देखी ठंडे के वजह से। तो मैं इस्तेमाल करूंगी मामा अर्थ की ये आमंड हेयर केयर रेंज। इस रेंज में 3 प्रोडक्ट है, एक है शैम्पू कंडीशनर और आमंड हेयर ऑयल। सबसे पहले मैं यूज करूंगी मामा अर्थ की आमंड हेयर ऑयल जिसके अंदर है कोल्ड प्रेस्ड आमंड ऑयल और विटामिन ई की गुडनेस। ये हेयर ऑयल हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही बढ़िया है क्योंकि ये डीपली आपके स्कैल्प को नरिश करता है जिससे कि आपके हेयर ग्रोथ में इंप्रूव आए और आपके स्कैल्प में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो रिड्यूस हो जाए। इसके अंदर क्योंकि बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है तो ये आपके बालों को सॉफ्ट स्मूथ और साथ ही में टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। टाइम के साथ आपके बाल स्ट्रॉन्ग बनते हैं। इसके अंदर एवोकाडो ऑयल की गुडनेस है जो आपके बालों को अंदर से खूबसूरत और हेल्दी बना के रखते हैं। बालों में अच्छे से ऑयल मसाज करने के बाद मैं कुछ देर रख दूंगी और फिर धो लूंगी यूजिंग द मामाअर्थ आमंड शैम्पू एंड कंडीशनर। ये शैम्पू और कंडीशनर के अंदर भी है कोल्ड प्रेस्ड आमंड ऑयल की गुडनेस, साथ ही में है विटामिन ई। दिस आर रिच विथ एंटीऑक्सीडेंट एंड बायोटिन जिससे आपके बाल गिरते नहीं है, आपके बाल सॉफ्ट हेल्दी और ब्यूटीफुल बने रहते हैं और फ्रीज भी कम हो जाता है टाइम के साथ। मैं इस शैम्पू को अच्छे से अपने बालों पर लगाऊंगी फिर कंडीशनर अप्लाई करके बालों को धो लूंगी। आपको तो पता है गाइस कि मामाअर्थ ने लिया है एक प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव जिसके चलते जब भी आप मामाअर्थ से कुछ ऑर्डर करोगे वो आपके ऑर्डर को लिंक कर देगी अपने वेबसाइट में एक ट्री के साथ जिसे वो प्लान करेगी बाय द ईयर 2025। सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और अगर आप इन प्रोडक्ट्स को ट्राई करना चाहते हो तो ज़रूर मेरे यूनिक कोड इनफाइनाइट 2021 को इस्तेमाल करें मामाअर्थ की वेबसाइट में क्योंकि इससे आपको मिल जाएगी 20% डिस्काउंट, तो काफ़ी सस्ता पड़ेगा। बालों के रिजल्ट तो आप देख ही सकते हो, इतना ज़्यादा फ्रीज फ्री सॉफ्ट और मैनेजेबल लग रहा है। और साथ ही में बता दें गाइस मामाअर्थ हैज़ लॉन्च देयर ऑफिशियल ऐप, iOS और एंड्रॉयड लिंक भी ऐप का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बाकी के लिंक्स के साथ।
तो हेयर केयर तो हो चुका है और अभी मैं शाम के टाइम में लेके आ चुकी हूँ स्नैक्स, जिसके बिना आज का चैलेंज बिल्कुल इनकम्प्लीट है। और वो है KFC, मतलब चिकन चैलेंज हो रहा है। तो कैसे हो सकता है कि हम लोग KFC की चिकन लेग पीस ना खाए? तो इसी चिकन लेग पीस को खाएंगे, खा के बाकी का मेकअप को रिमूव कर देंगे और पेट पूजा करेंगे। यार बहुत भूख लग गया है, लेट्स हैव इट। हेलो गाइस, तो फाइनली मैं शाम हो चुका है और मैं बैठ चुकी हूँ क्योंकि मुझे मेरी जो स्किन केयर है वो करनी है। ये पूरा मेकअप रिमूव कर देना है, अभी तक डकार आ रहे हैं, उसके ऊपर खाते जा रहे हैं, आप ही सोचो। तो शाम में मैं खाने वाली हूँ ये KFC की लेग पीस। मुझे लेग पीस पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, आप तो जानते हो। खाना पीना तो चलता रहेगा और यहाँ पर खाना पीना स्नैक्स खा के मैं अपनी मेकअप को रिमूव कर रही हूँ, आप देख ही सकते हो। और मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक बहुत ही क्यूट सा चीज़, वो है ये बेड जो मैंने हाल ही में सिम्बा के लिए लिया है। आप देख सकते हो लकी और सिम्बा दोनों ही कई बार इसमें सोता है, नो डाउट। एंड ये कितना ज़्यादा क्यूट है, आपको नहीं लगता? तो रात के डिनर के लिए मैं लेके आ चुकी हूँ चिकन बिरयानी और चिकन चाप। चिकन बिरयानी और चिकन चाप मेरी बहुत ही एक फेवरेट कॉम्बो है और मैंने ये पूरा कॉम्बो को मंगवाया है फ्रॉम बेहाला हाजी, क्योंकि मुझे हाजी की बिरयानी मेरे पापा के जैसे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और साथ में यहाँ पर एक चिकन चॉप भी है। मुझे लगता है कि क्योंकि मैं बंगाली हूँ, कुछ तो चॉप या कटलेट इंक्लूड करना चाहिए। तो मैंने क्योंकि KFC ऑलरेडी खा चुकी हूँ, तो मैं एक चिकन चॉप लेके आई हूँ, जो कि मुझे लगता है परफेक्ट है टू कम्प्लीट द होल डिनर टुडे। तो इसी को मैं खाऊंगी और इसी के साथ आज की मैं पेट पूजा करके ये चैलेंज को कम्प्लीट कर दूंगी। फाइनली चैलेंज तो खत्म हो चुका है क्योंकि मेरे पेट में ना और थोड़ा सा भी जगह बचा नहीं है। आज मैंने अपनी फेवरेट बहुत सारे चिकन की डिशेस खाया है। आपके फेवरेट चिकन की डिशेस क्या क्या है मुझे जरूर बताना कमेंट में। पर अभी बारी है कमेंट रीडिंग का, क्योंकि आप तो जानते हो मेरे कमेंट रीडिंग के बिना वीडियो कैसे कंप्लीट हो सकता है। सबसे पहला जो कॉमेंट आज मैं पढ़ने वाली हूँ वो है फ्रॉम मोनाली द रॉक स्टार। उन्होंने लिखा है वीडियो ना खूब भालो चिलो दीदी, आमार माओ देखे तुम्हार वीडियो, मायर खूब भालो लागे। सत्यि बोलछि मा कारोर वीडियो देखे ना, जखनि बोली जे पायल दीदिर वीडियो आसछे तखनि दौड़े आसे आर बोले कोथाय देखि। थैंक यू दीदी एत भालो वीडियो बानानोर जोन्नो, आई पार्पल यू इनफाइनाइट फैम इनफाइनाइट आर्मी। तो बोलते चाई थैंक यू सो माच, आर काकीमाकेओ आमार तरफ थेके प्रणाम आर भालोबासा जानिओ। आर তুমি আর কাকিমা আমার ভিডিও এত এত ভালোবাসো, তার জন্য অনেক অনেক ভালোবাসা, আই পার্পল ইউ টু। নেক্সট যে কমেন্টটা করেছে সেটা লিখেছে জ্যোতির্ময় মল্লিক, ও লিখেছে হাই পায়েল, তুমি কি প্লিজ একটু বলবে এই ভিডিওটাতে যে ড্রেসগুলো তুমি দেখালে ওই সবগুলো কোন সাইট দিয়ে কিনেছো? তো আমি এটা ব্ল্যাক মানে ব্ল্যাক ফুড যে ভিডিওটা করেছিলাম ওখান থেকে পড়েছি। তো আই থিঙ্ক ব্ল্যাক ফুডে আমি যে ড্রেসগুলো পড়েছি ওর মধ্যে কিছু ড্রেস শেন থেকে ছিল নেওয়া অনেক আগে, কিছু আমি শ্রীরাম থেকে নিয়েছি আর কিছু হয়তো মিন্ত্রা থেকে নেওয়া। নেক্সট যে কমেন্টটা আমি পড়বো সেটা লিখেছে মনোজ মণ্ডল, ও লিখেছে দিদি তুমি যখন নুডলসের ওপর রাইস কেক দিলে না তখন আমি ভাবলাম যে তুমি আবার এবার নুডলসের ওপর চক দিয়ে দিলে না। তো আমি মনে করি এরকম উটপাটাং ভাবনা চিন্তা আমি করতে পারি আর আমার মতো তোমরা আমার শোনা শোনা ইনফাইনাইট ফ্যামি করতে পারে। বাট রাইস কেকগুলো সত্যিকারই চকের মতো দেখতে ছিল, আই এগ্রি উইথ ইউ রিয়েলি। আজকের ফাইনাল কমেন্ট লিখেছে রাবেয়া খাতুন, সে লিখেছে দিদি আই এম ফ্রম বাংলাদেশ, দিদি তোমাকে আমার অনেক ভালো লাগে, তোমার সব ভিডিও আমি দেখি, কোনো ভিডিও মিস দেই না, আমি সব ভিডিওগুলোতে কমেন্টও করি বাট তুমি রিপ্লাই দাও না, আর তোমার কোনো ভিডিও পাচ্ছি না তো কবে নিউ ভিডিও দেবে প্লিজ বলো দিদি। তো বলতে চাই রাবেয়া থ্যাংক ইউ সো মাচ, বাট আজকে আমি ফাইনালি ডাইরেক্ট ভিডিও এসে রিপ্লাই দিয়ে দিয়েছি, তো এর থেকে বেশি রিপ্লাই কী হতে পারে তুমি বলো শোনা।
आज की कॉमेंट रीडिंग भी कंप्लीट हो चुकी है और साथ ही में आज की चैलेंज भी कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि पेट में कुछ ठूसने लायक और जगह तो है नहीं, अभी सो जाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर इस वीडियो को एक ह्यूज थम्स अप दे दीजिएगा, और जैसे मैंने कहा, अगर आपको जल्द से जल्द लिविंग लाइक सांता क्लॉस फॉर 24 आवर्स देखनी है, यानी सांता क्लॉस इन पब्लिक प्लेसेस भी देखनी है साथ में, तो क्या करना पड़ेगा, वीडियो को जल्द से जल्द एक लाइक देना पड़ेगा। बहुत ही अच्छे से रहिए, टेक केयर, बाय, गुड नाइट, मेरी क्रिसमस इन एडवांस एंड एडवांस हैप्पी न्यू ईयर, लव यू।